तो गाइस आज हम लोग आ गए हैं इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे हॉन्टेड जगह भानगढ़। ये जो है पूरे एशिया की सबसे ज्यादा भूतिया जगह कही जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है भूत प्रेत और इस तरीके की जो शक्तियां होती हैं उनका साया बताया जाता है। बहुत सारी कहानियां, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग इसको देखने भी आते हैं। और यहाँ पर आते ही हम सब लोगों के अंदर जो है वो जो भूतिया वाली वाइब्स होती हैं, जो थोड़ा डर का सा एहसास होता है ना, वो आ गया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, पिछली बार हम आपको किला दिखा करके निकल गए थे, लेकिन आज हम लोग आपको यहाँ पर रह करके दिखाएंगे पूरा दिन, यानी कि 12 घंटे जो हम फोर्ट के ही अंदर रुकने वाले हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ हम घूमते हैं, क्या क्या हम करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा हमारा पूरा दिन निकलता है, क्या हम पूरा दिन यहाँ पर रुक भी पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे या फिर डर के भाग जाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। और ये जो लोग पीछे खड़े हैं, तो ये लोग भी सब लोग साथ जाने वाले हैं, हम सब साथ ही रहने वाले हैं। और यहाँ पर पता है अभी हम लोग ऑलमोस्ट किले के गेट पर ही हैं। देखो इधर जो है पूरा अभी खाली पड़ा है, क्योंकि सुबह का टाइम है तो अभी जो है कोई आया भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दोपहर शाम होती है थोड़ी सी यहाँ पर भीड़ भी जाती है। तो फटाक से शुरू करते हैं भाई, लाइक ज़रूर से कर देना इस वीडियो के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, और ये चैलेंज करने के लिए हम इतना दूर से किले के अंदर आए हैं। तो भाई हमको किले के अंदर आए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, और अभी जो टाइम है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो 8:33 हो रहा है सुबह का, यार धूप थोड़ी तेज हो गई है, गेट है वहाँ पर। तो हम लोग जो है थोड़ा सा यहाँ पर आगे आ चुके हैं, और अब जो है आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। किला जो है वो यहाँ से काफ़ी आगे है, जो मेन महल है ना, लेकिन हम जो है महल में थोड़ी देर बाद में आएंगे, क्योंकि हमको यार पूरा दिन यहीं पर गुजारना है। तो देखते हैं, पहले थोड़ा इधर उधर चलते हैं और देखते हैं। और गाइस इस बार हम लोग आपको इस किले की वो चीज़ें भी दिखाएंगे जो आपको पिछली बार नहीं दिखाई थी। पिछली बार हमने सिर्फ आपको महल दिखाया था मेनली, लेकिन इस बार जो आपको किला का जो और पार्ट है, जो कि लास्ट टाइम हम नहीं दिखा पाए थे, अभी हम जो है किले के एकदम आउटर पार्ट में है। उत्तरी, अब इधर आओ भैया, ये एक दीवार है, और ये दीवार नहीं है, ये पूरा रोड है। ओहो, उधर दिखाना एक बार, देखो पूरी जो वॉल है यहाँ पर, और ये जो दीवार है कितनी चौड़ी है। अब यार ये दीवार लगभग 12-13 फीट चौड़ी है, मतलब इतनी क्या बात है। और ये पूरा वहां तक, पूरा आगे तक इतनी ही चौड़ी दीवार है। अबे तो चाइना की दीवार भी फेल है इसके आगे, तो वो चीन की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये है भानगढ़ की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ भानगढ़ फोर्ट। तो भाई हम लोग अभी चल रहे हैं इस ग्रेट वॉल ऑफ भानगढ़ के ऊपर, और आप लोग देखो कि यार ये जो दीवार है ये यार कितनी ज़्यादा यहाँ पर देखो चौड़ी है, पूरा रोड ही है ये। और इस साइड में जो है किला है पहाड़ों के बीच में बना हुआ, और इस साइड में जो है इधर भी जंगल है, ये जो है सरिस्का नेशनल पार्क का ही जंगल है। और भाई वहाँ पर देखो, वहाँ पर जो फोर्ट है वो यहाँ से नज़र आ रहा है, जबकि ये जो फोर्ट है नीचे से नज़र नहीं आ रहा था। जब हम ऊपर आए हैं ना इतना ऊपर जगह पे, तो यहाँ से किला दिख रहा है। और यही जो किला है ना, यही है सबसे ज़्यादा भूतिया जगह, यही ये किला, ये जो महल है यही है। और भाई यहाँ पर किले के इस दीवार पे आकर के देखो ये क्या हमको मिला है। यहाँ पर जो है बहुत सारी आई थिंक ये भगवान की मूर्तियाँ हैं, और इनके ऊपर देखो इन्होंने ये जो है कर रखा है, धूप बत्ती वगैरह लगा रखी है। और भाई यहाँ पर ये एक वोडका की बोतल है, और आई होप कि इसमें जो है, अरे यार इसमें जो है वास्तव में अल्कोहल है। तो आई डोंट नो कि किले के अंदर इस दीवार पे ये क्या कर रही है, बट लोगों की आस्था होती है तो उस हिसाब से शायद ये कोई चीज़ होगी। तो इसको जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, और आगे की तरफ चलते हैं। और भाई यहाँ पर जो है यार ये क्या बना हुआ है, ये जो है मुझे लगता है यार खुद बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखो हाथ के निशान इन्होंने लगा रखे, अंदर क्या है अंकित, अंदर यार खाली जगह है यहाँ पर, ये बाद में बनाया हुआ लगता है। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, राज माफिया पता नहीं क्या क्या, किस किस ने यहाँ पर जो है नाम वाम लिख रखे हैं। तो आगे की तरफ देखते हैं कि
क्या है ये? बहुत बड़ी दीवार है, देखो बहुत तक जा रही है। अबे पहाड़ पे भी चढ़ रही है क्या भाई साहब? देखो ओ तेरी गाइज, यहाँ पर एक किला है, वो सॉरी एक कुआ है, जो कि ओ तेरी कितना ज्यादा तो ये चौड़ा है। ओ भाई ये कितना ज्यादा डीप है और इसके अंदर पानी भी है। और देखो यहाँ पर मेरी जो आवाज है वो किस तरीके से गूंज रही है यार, काफी ज्यादा चौड़ा है। पहली बात तो इतना चौड़ा कुआ मैंने पहली बार देखा है। ओ और इसके अंदर पानी है, पानी वाला कुआ है, और वो भी इतनी भूतिया जगह, भानगढ़ जैसी भूतिया जगह पर। एक बार इसका साइज देखो एक बार, और ध्यान से सब लोग ध्यान से यार। और यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है लोहे की एंगल्स, आई थिंक इसमें वो जो पुली वाला सिस्टम होता है ना पानी खींचने का, वो कोई टाइम में लगा हुआ होगा। क्रेजी 10 मिलियन, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, गाइज ये जो कुएं है आपने देखा कि उसमें से कैसी कैसी आवाजें आ रही है, मतलब कुएं में से आवाज आ रही है कि 10 मिलियन जल्दी से कर दो, लाइक कर दो, तो आपको करना बनता है भाई, कुएं में से आवाज आ रही है, ठीक है कर दो जल्दी से। और यहाँ पर पता है एक चीज और है कि इस साइड में भीड़ बिल्कुल नहीं है, हम जब से निकले हैं वहां से किले के गेट से हमको एक भी इंसान नहीं मिला है, हमारे अलावा कुछ बकरियां वगैरह उनको चराने वाले, उसके अलावा हमको कोई भी नहीं मिला। और पता इधर उधर देखते हैं, उसके बाद में वापस से देख लेते हैं, हाँ भाई सब लोग हैं यहाँ पर, तो थोड़ी सा थोड़ी सी राहत मिलती है। कितने लोग हैं? दो चार छः करतार कहाँ है? करतार नहीं है, ओ करतार, अबे देखो एक बार किधर है वो यार, हम लोग चले जा रहे हैं और कोई देख भी नहीं रहा कि करतार रह कहाँ गया पीछे वो, अबे क्या कर रहा है तो इधर इधर कब आ गया यार भाई, हम ढूंढ रहे हैं उधर की है कहाँ पर, किधर चला गया यार। एक काम करते हैं, इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, इधर बैठेंगे यार थोड़ी देर, यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि कोई भी आता जाता होगा, क्योंकि अभी तक तो हमको एक बंदा भी नहीं दिखा हमारे अलावा, इतना देर हो गई हमको यार सुबह से, क्योंकि हम जो मेन किला है ना उसके जो महल है उसके अंदर नहीं गए, किले के तो अंदर ही हैं हम लोग, और महल जो है उसमें भी अभी जाएंगे। हाँ ये बढ़िया है, ये पत्थर इसमें अटका हुआ है गई, जो पत्थर है वो इस पेड़ के अंदर ही देखो कैसे फंस गया है, नीचे जड़ है ऊपर जड़ है, और यहाँ पर हम लोग शांति से मजे से बैठ भी सकते हैं। बरगद के पेड़, बरगद है पिपले, बरगद का पेड़, एक बार चढ़ने की कोशिश करना ऊपर, हाँ अरे एक बार चढ़ने की कोशिश तो करो गाइस, ये काफी मजबूत होता है, इस पे चढ़ा जा सकता है, देखना एक बार ट्राई करो, अरे ऐसे तो ठीक है तुम चढ़ जाओगे वैसे उस पे, ओए अब बढ़िया गाइस, यहाँ पर भूत लटक रहा है पेड़ से, देखो भाई ओ गिर मत जाइयो यार, इतना मजबूत है ये, ओहो यार वाव यार, इस चीज के लिए तो ताली हो जाना बनता है। देखो भाई भाई ध्यान से देखो, ओए काफी ऊपर हो यार आप, नीचे पत्थर है ना ना वाप, ऐसा तो खैर मजबूती है ये, नहीं तो अब तक टूट जाता। अबे तुम बंदर की तरह बन गए दोनों तीनों, ट्राई करते हैं भैया ऊपर चढ़ने की। तो भाई यहाँ पर जो है मैं भी चढ़ गया, हाथ जो है उसमें बहुत ज्यादा खिंच जाता है। ये आवाज किसकी है? तो आवाज आ तो रही है यार, भाग के कहाँ जाएगा, भाग जा, भागने की बात भी कौन कर रहा है, भागने की बात कौन कर रहा है गाइस, यहाँ पर जो हम लोग थोड़ा बहुत जो है नाश्ता वगैरह कर रहे थे, क्योंकि कुछ खा के तो हम लोग जो है ज़्यादा आए नहीं है, बहुत जल्दी आ गए थे हम, पता है अंधेरे में घर से निकले थे तब जाके यहाँ पहुँच पाए थे। यहाँ पर जो है कुछ इमारतें आ चुकी हैं, हम लोग काफ़ी देर तक पेड़ के नीचे बैठे रहे, उसके बाद में हम इस तरफ में आ गए जो कि मेन सिटी था, और यहाँ पर भाई ये अब आई डोंट नो कि ये मकान है या फिर दुकान है,
देखो यहाँ पर जो है एकदम बढ़िया बढ़िया चौकोर चौकोर स्ट्रक्चर बनी हुई है, लेकिन सबसे मजेदार और सबसे डराने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो दुकान है ये टूटी हुई है। इस पूरे किले के अंदर, इस पूरे शहर के अंदर सारी की सारी चीजें टूटी हुई है। मतलब कि जो दुकानें हैं, जैसे कि आप यहां पर देखो, ये जो दुकान है ये आधी है, मतलब आधी भी कहां है, ये सिर्फ इतनी है, अंदर पूरा स्ट्रक्चर है देखो, लेकिन उजड़ा हुआ है। और भाई कहा जाता है कि बहुत टाइम पहले ये जो पूरा शहर है ये उजड़ गया था एक तांत्रिक के श्राप से, और उसी दिन इस शहर में रहने वाले सभी लोग, सारे के सारे लोग जो है उसी दिन खत्म हो गए थे, मर गए थे, ऐसा कहा जाता है। भाई देखो ये सब जो है सुनी हुई बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, और उसी के बाद में अब इस किले के अंदर उन लोगों की आत्माएं जो हैं वो घूमती रहती हैं, और उन्हीं की नेगेटिव एनर्जी की वजह से यहाँ पर जो है एक अजीब सा और एक डर वाला नेगेटिव माहौल है बेसिकली। अबे क्या कर रहे हो, अबे ये लोग कर क्या रहे हैं? गाइज गाइज यहाँ पर जो भूत है वो टिकटॉक बना रहे, देखो यहाँ पर भूत टिकटॉक बना रहे हैं। भूतों की नगरी में भूत टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं। ओए टिकटॉकर, ओए तेरी क्या था ये, हैं तोता था क्या था? अबे यार यहाँ पर एक एक बहुत ही मतलब मजेदार बात ये है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये जो पूरा डोम है, ये जो पूरा गुंबद है, ये एक्चुअली में कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है सीमेंट या चूने से कहीं से भी। देखो सिर्फ यहाँ पर देखो ये पत्थर है, इसके ऊपर दूसरा पत्थर एकदम सटीक तरीके से रखा हुआ है, और वहाँ पर वो पत्थर जहाँ खत्म होता है उसके ऊपर और पत्थर रखे हुए हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो ढांचा है वो सिर्फ पत्थरों के ऊपर रखा हुआ है। और सोचो, और ऊपर देखो एक बार ज़रा, मतलब कहीं पर भी कोई सीमेंट चूना हमको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ जो है पत्थर के टुकड़े अलग अलग, और कितना लोड होगा सारा इन पत्थरों में लिखा हुआ है, पत्थर अलग ही रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, सारे टुकड़े हैं भाई, अबे वो ये तो गिर भी सकते हैं यार। और यहाँ पर अंदर जो है ये क्या चीज है गाइज, आई एम श्योर कि ये जो है कोई टाइम में एक मंदिर ही होगा, इतना बढ़िया सा इन्होंने बना भी रखा है। और यहाँ पर अंदर ये खाली है, और इस साइड में आप भूतों को देख सकते हैं, लाइव यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। तो भानगढ़ में भूत आपने कभी नहीं देखा होगा, आज देख लो, देखो देखो अब देखो उल्टे पैर से चलेगा भूत, टिकटॉकर भूत। गाइज यहां पर हम जैसे जैसे किले के पास में जा रहे हैं, महल के पास में जा रहे हैं, इधर नई नई चीजें मिलती जा रही हैं। और इस साइड में देखो आप, यहां पर जो है एक पूरा का पूरा महल सा है, या फिर आप कह सकते हो कि एक घर जैसी चीज है, जो कि यार किसी राजा महाराजा को होगा कोई टाइम है, लेकिन आज के टाइम में आप लोग इसकी हालत देख सकते हो कि किस तरीके से टूटा हुआ है। कोई भी छत, यार ये तो यहाँ की खासियत है कि आपको किसी भी मकान की, किसी भी घर की, किसी भी महल की छत ही नहीं मिलेगी, मतलब सब हर किसी की जो छत है वो उड़ी हुई है। और ये कहा जाता है कि जब वो शहर उजड़ा था तांत्रिक की वजह से, उसी टाइम पूरा का पूरा उजड़ गया था। चलो एक बार इसके अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पर इधर आ जाओ, इधर देखो गाइज, यहाँ पर देखो जो पूरा का पूरा यहाँ पर महल है वो टूटा हुआ है, पूरा उजड़ा हुआ है। देखो एक बार यार, उस टाइम पर क्या शानदार यहाँ पर फीलिंग आती होगी, लेकिन अब देखो उधर देखो यार, पूरा उजड़ा हुआ है, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, छत किसी के है नहीं, इधर और सीढ़ियां हैं, और ऊपर चलते हैं। और यार अब सही बताऊं आपको, तो हम थोड़ा एग्जॉस्टेड भी हो चुके हैं, थोड़ा थक भी चुके हैं। मोहित आ जा। और यहाँ पर भूतिया किले के अंदर हम जा रहे हैं एक कमरे में, गाइस यहाँ पर यार यहाँ आवाज कुछ ज्यादा नहीं गूंज रही गाइस, यहाँ पर यार छोटे से जगह है, काफी सारे इसमें सामान रखने की जगह भी है, लेकिन इसमें आवाज कुछ ज्यादा नहीं गूंज रही, मतलब बहुत ज्यादा इको हो रही है इसमें इतने से जगह पे, इसका रीजन क्या है और क्या है इसमें? इधर पहाड़ है ऊपर की साइड में, तो पूरा पहाड़ है और कुछ नहीं है। एक बार देखो यहाँ से वहां तक ये 2 या 3 मंजिल होगा, और ऑलरेडी हम जो है लगभग 3rd या 4th फ्लोर पे खड़े हैं, कितना ऊंचा ये महल होगा, लेकिन इसकी भी छत नहीं है,
ये जरूर हमको बेस मिला है, लेकिन ये भी पता है छत नहीं है, ये पहाड़ है, स्लोप है, तो उस पर ये स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, लेकिन छत यहाँ पर किसी भी मकान की नहीं है। और भाई अब हम लोग सोच रहे हैं, देखो यहाँ पर तो है किला, किले में भी चलेंगे थोड़ा बहुत समय, 2-3 घंटे उसमें भी बिताएंगे, लेकिन उससे पहले अब हम लोग जाएंगे ऐसी जगह जहाँ पर ना तो आज तक हम गए हैं और ना ही ज़्यादातर लोग जाते हैं, बाय चांस ही वहाँ पर कोई जाता है। वो जगह है वहाँ पर, उस पहाड़ की चोटी पर देखिए एक छोटी सी कोठरी सी बनी हुई है, और ये कोठरी जो है ये उसी तांत्रिक की है, ये जो है जब ये शहर उजड़ा था तो जिस तांत्रिक ने श्राप दिया था कि भाई ये शहर उजड़ जाएगा रातों रात, उसी की बताई जाती है। वहाँ पर जो है एक पूरी स्टोरी है रानी की और तांत्रिक की, रानी रत्नावती आई थिंक है ना, रानी रत्नावती जो है तांत्रिक उसको चाहता था, तो ऐसे ही उनका कुछ आपस में बात हुई थी, रानी उसके पास नहीं जाना चाहती थी, मतलब लड़ाई टाइप आप कह सकते हो, तो तांत्रिक ने कुछ ऐसा तैयार किया था तेल वगैरह कि रानी बालों में लगाए और उसके पास में पहुँच जाए। रानी ने क्या किया कि उसको पत्थर पर डाल दिया, पत्थर जाके सीधा तांत्रिक के सर में लगा, वो वहीं पे मर गया। तो उसने श्राप दिया था मरते मरते कि भाई ये शहर उजड़ जाए, ऐसा कुछ स्टोरी चलती है, तो एक बार वहीं चल के देखते हैं। दोस्तों इस भूतिया किले के बीच में हमें एक मंदिर मिला है, और यहाँ पर पता है इधर खुशबू आ रही है धूप बत्ती अगरबत्ती की, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर और इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल वही धूप जली हुई है, एक बार दिखाओ ज़रा, चप्पल जूते निकाल के आना, यहाँ पर देखो धूप जली हुई है, और हाँ यहाँ पर ये सेंट रखा हुआ है, इत्र रखा हुआ है, एक नारी, हाँ इस नारियल की खुशबू थी, ये तो बहुत ज्यादा आ रही थी, ये देखो ऊपर से पट्टी, ओहो ये क्या है भाई, गाइज यहाँ पर ये कभी भी गिर सकता है, और ये ऊपर भी है ऐसा ही कुछ, देखो यहाँ पर ये जो है, अरे हाथ में लगा, हाँ भाई ये गिर सकता है कभी भी, और इसके अंदर यार अंदर भी ये पूरा मंदिर है, ये इसमें जो है नीचे पक्का फर्श नहीं है, लेकिन यार यहाँ आकर के वो जो टेंशन वाली नेगेटिव फीलिंग थी वो खत्म हो गई, आपको सही बताएं तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग जो है ना वो बहुत काम करता है इन सब चीज़ों में। देखो यहाँ पर भी भगवान की कुछ मूर्ति है, अब आई डोंट नो कि ये कौन से भगवान की है। और भाई इसी मंदिर के अंदर यहाँ पर गणेश जी की एक मूर्ति भी लगी हुई है जिसपे पूजा पाठ भी हो रहा है, और इस पूरे दीवार के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, आप देखो यहाँ पर भी इस साइड में भी पूरे दीवारों पर नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पर लगता कुछ ऐसा है कि जिसका नाम आप यहाँ पर लिखोगे वो आपको मिल जाए। और भाई यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मेन किले के अंदर, जो कि आपने हमारी वीडियो में पहले भी देखा होगा, चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जो फोर्ट है ये उसके अंदर का पार्ट है, ये महल के अंदर का स्ट्रक्चर है। और वहाँ पर देखो ऊपर छतरी है, पेड़ के पीछे चली गई होगी, इस पेड़ के पीछे पहाड़ के ऊपर है, तो वहीं वहीं पर चलते हैं, इधर आ जाओ। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, मैं कश्मीर की कली हूँ। टाटा कर दो, मैं यहाँ पुराने जमाने में राजा हुआ करता था फ्रेंड्स। राजा नहीं, बाबा। तो भाई यहाँ पर जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और एकदम बहुत ज़्यादा पत्थरों की आवाज़ आती है। देखो यहाँ पर मैं आपको अगर हॉरिजॉन्टल लेवल दिखाऊँ ना, तो देखो ये ग्राउंड लेवल है, और हम इधर से चढ़ के आए हैं, ये ग्राउंड लेवल है, और इधर हम ऊपर जा रहे हैं, और ये वाइड एंगल है, इसलिए आपको जो ज़्यादा ऊंची चीज़ भी कम ऊंची दिख रही है, जितना आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा मुश्किल है। और यार अभी तो हम भाई 1/3 भी नहीं चढ़े हैं, और वो कितना ऊपर आ गए, किला जो है ना उससे ऊपर आ गए हम लोग। और भाई बीच में रुक के जो है थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, नीचे देखो। कैसे पड़े गाइस, नीचे से हम चढ़ के आए हैं, इतना ज्यादा ऐसी तैसी हो चुकी है, बस भाई क्या बताएं यार, हमको लगभग 40-50 मिनट लगे, एकदम सीधी चढ़ाई चढ़ के आए, इतनी खराब हालत होगी।
सही में यार, बस अब तो हिलने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन हम यहाँ पहुंच चुके हैं ऊपर। तो भाई फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, थोड़ा देर रेस्ट भी कर चुके हैं, और देखो नीचे का नजारा एक बार आप लोग देखो भाई साहब, यहाँ से पूरा शहर जो है वो दिख रहा है, वो पहाड़ देखो उससे भी हम ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से बहुत ज्यादा एक्चुअली में ऊपर है हम लोग। और यहाँ पर ये जो है भाई वही कोटरी है जिस तरफ हम आ रहे थे, जो नीचे से छोटी सी दिखती है, और यहाँ पर भी जो है आप लोग व्यू देख सकते हो, और यहाँ पर हमारे इंडिया का फ्लैग भी आप लोग देख सकते हो। जय। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपको भानगढ़ शहर दिखाऊं इस ऊंचाई से, तो आप लोग देखो यहाँ ये जो है मार्केट है, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा पूरा का पूरा बाजार, सारी दुकानें जो कि अभी उजड़ी हुई हैं, और यहाँ पर पहले बाजार लगता था, और अब भी कहा जाता है कि रात को यहाँ पर जो है बाजार लगता है अभी भी, लेकिन भूतों का। और ये जो किला है ये वापस से रात को पूरा एक्टिव हो जाता है, जो लोग यहाँ पर मारे गए थे वो वापस से आ जाते हैं, वो इन दुकानों में इधर जो है खरीदारी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, मतलब कि वापस से पूरा एक्टिवेट हो जाता है सब। देखो और हम जो है सीरियसली बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं, देखो मैंने जूम आउट किया तो हम कितना दूर हैं, और ये रहा इस साइड में किला। गाइज यहाँ पर हमको 7:30 घंटे हो चुके हैं, और अब जो है 3:30 बज चुके हैं, तो भैया अभी तो और यहाँ पर जो है टाइम बाकी है, बुरी तरह थक गए हैं किले के अंदर, और यहाँ ऊपर चढ़ने में तो सीरियसली जो हालत है वो ख़राब हो गई है, और भगवान की कृपा से अब तक तो कोई ऐसा भूत वगैरह तो देखने को नहीं मिला है, और हम लोग जो है एकदम सेफली जो है अभी तक इसमें रह पा रहे हैं। लगभग 7:30 घंटे हो चुके हैं, लेकिन यार थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब नीचे जाने की बारी है। ये है पहाड़ से नीचे उतरने का तरीका। भाई बहुत ज्यादा ऊंचाई से हम उतर रहे हैं, और काफी ज्यादा ये स्टीप है, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। यहाँ पर जो है इस ये वाला जो पहाड़ है ना, ये सरिस्का में आता है, और यहाँ पर हमने अभी अभी देखा है एक जैगुआर को, जो पैंथर होता है ना बघेरा, और हमारी हालत हो गई है सच्ची में ख़राब। पहले हमको आवाज़ें आ रही थी ऊपर से, फिर हमने देखा कि वो इस तरीके से जा रहा है, हमसे लगभग जो है 100-150 मीटर होगा, लेकिन यार हम इस तरीके की चढ़ाई के ऊपर हैं। फिर हम लोग रुक गए यहीं पर ही तीनों लोग, और थोड़ा बहुत आवाज़ वगैरह करने लगे। तो भाई हमको अब इस किले के अंदर देखो अभी जो टाइम है वो हो चुका है 5:53 शाम के, और यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, हमने एक प्रैंक भी यहाँ पर शूट किया जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आने वाला है। अब यार इतना ज़्यादा टाइम था तो हमने सोचा कि चलो वो चीज़ भी कर लेते हैं। तो अब आप हम जो है इसमें जाने वाले हैं, और आपको दिखाते हैं कि जो महल है उसके अंदर क्या है। और आपको एक बात बताऊँ, हमारे प्रैंक की वजह से पूरा जो किला है वो खाली हो गया है, यहाँ कोई भी नहीं है लिटरली। तो अब जो है महल के अंदर चलते हैं, आ जाओ महल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और अभी देखो सब लोग चले गए, लेकिन हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ भाई, अभी अभी जो है थोड़ा टाइम बचा है। अब देखते हैं ये लोग हमको कब तक रुकने देंगे, क्योंकि वैसे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सूरज ढलने के बाद में रुकना अलाउड ही नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। गाइस अब यहाँ पर आके लगने लगा है डर। अभी तक तो हम पता है इतने सारे लोग थे चारों तरफ, हमने इजीली जो है कर लिया, लेकिन अब जो है डर लगने लगा है, क्योंकि शाम का टाइम है, दिन छिपने वाला है, कोई है नहीं किले में, और सबसे भूतिया जगह वैसे है ये। चलो क्या करें यार, चैलेंज है, जब तक हिम्मत रहेगी तब तक तो करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं रानी रत्नावती के महल में, मतलब ये पूरा महल ही है, बहुत बड़ा महल है। गाइज आज हमने पैंथर देख लिया, उसका ज़्यादा डर लगा, वो भी जंगली जानवर, वो भी यार हमारे पास में, वहाँ पर कोई था भी नहीं। अंधेरा है एकदम भाई, चले क्या, कदा इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, रुको रुको रुको, अरे अंदर मत घुसो भाई। यहाँ पर जो है आप लोग देखो बिल्कुल अंधेरी जगह है, और पता है मैं आपको सही बताऊं, कैमरा में आपको फिर भी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, आंखों से नहीं दिख रहा, कैमरा तो, अरे अंदर मत जा,
अरे बस बस ठीक है ठीक है, ध्यान नहीं का है। यहाँ आके कुछ फील आ रही है भैया, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है और सिर्फ हम लोग हैं। तो और हम लोग पता है सबसे ऊंची जगह पर बैठे हुए हैं फिलहाल, और पूरा जो शहर है उसका नज़ारा दिख रहा है। किंग वाली फील आ रही है, भूतों का किंग, भूतों के राजा। तो भाई अब जो है रात के 7:30 से ज़्यादा बज चुके हैं और हम लोग एकदम महल के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर हैं। आई होप कि मैं आपको शायद नहीं दिख रहा हूँगा, लेकिन आप लोग देखो कि वहाँ पर अब लाइटें जल चुकी हैं और वो आपको दिख रही होंगी। और यहाँ पर मैं अगर आपको टाइम भी दिखाऊँ तो आप लोग देखो 7:38 हो चुका है, 19:38 हो चुका है। तो भाई अब हमको सिर्फ यहाँ पर लगभग 20 मिनट और रहना है बस, और हो गया काम। और भाई आज जो चैलेंज था ना, पता है एकदम सन्नाटा है यहाँ पर, हम लोग बस जस्ट यहाँ पर जैसे कैसे करके बैठे हुए हैं। एक प्रॉब्लम और है कि सर्दी का मौसम है, हम लोग टी शर्ट में आए थे यार सुबह तो, लेकिन अब जो है ठंड भी लगने लग गई, और ठंड से ज़्यादा लग रहा डर। तो गाइज अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फाइनली जो है यहाँ पर 8 बज चुके हैं, और आप लोगों को मैं स्क्रीन में दिखाना चाहूँगा। देखो 8 जो है वो बज चुके हैं, 1 मिनट ऊपर ही हो गया। तो भैया अब जो है यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है, और फ्लैश जला लो, फ्लैश जला लो। और भाई बहुत ज़्यादा डरावना जो है यहाँ का शाम का माहौल रहा था, दिन में तो जो है ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शाम कर आ करके अब जो है बस हालत ख़राब हो रही है। अब और चलते चलते आपको भानगढ़ के किले का रात का व्यू भी दिखा देते हैं एक बार। देखो अब जो है रात का टाइम है, और यहाँ पर अभी तक तो हमको भूत तो कोई देखने को जरूर से नहीं मिला है। अबे तुम क्या कर रहे हो? मैं डर गया। तू भी भूत बने हुए यहाँ पे? अरे यार भाई एक साथ ना हो यार। चलो। भूत कोई देखने को नहीं मिला, लेकिन रात होने के बाद में हम लोग खुद ही यहाँ पर भूत बन गए। तो गाइस यहाँ पर हमने सक्सेसफुली जो चैलेंज है वो कंप्लीट किया है, रात का टाइम है, और इसी के साथ में एक लाइक बनता है। ओए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, रुको 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 रुक जा रुक जा रुक जा। है बहुत तेज रोने की सी आवाज आ रही है क्या यार? वैसे तो बंदरों की लग रही है मेरे को आवाज, लेकिन इतनी रात को बंदर यार, बंदरों के बीच में एक साउंड और आ रहा है अलग। अब यार वो चिल्लाने का साउंड आ रहा है भैया। गाइज यहाँ पर जो है चिल्लाने का साउंड आ रहा है। निकल लो रे। अबे ओए बगलो, चलो चलो निकल लो। अबे सही में भाई साहब चिल्लाने का साउंड। अबे आ जा। और यहाँ से वापस आते टाइम भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ओए जल्दी बगलो निकल लो। ये जो है इस गेट से बाहर निकले वो महल वाले किले का जो है बाहर का गेट है, सेफ जोन। भानगढ़ किले से बाहर नहीं निकले अभी हम, और रात के टाइम आपको मार्केट दिखाते हैं। चलने दो भाई, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा और देख लो यार, लाइक कर दो। मैं चलूंगा आगे। हाँ जा क्या हुआ जाना? क्यों जा रहे हम साथ? तू जा रहा था ना आगे, मैं जाऊंगा आगे। भाई सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भूत है यहाँ पे, और कोई कोई है भी नहीं यार। लेकिन यार आज जो है मजा आया वास्तव में, और अब जो है लगने वाला है बाजार। बस अब कुछ देखना जाए ऐसा वैसा। अब खुशी इस बात की कि खत्म हो गया टाइम। बतासे बतासे की दुकान थी क्या भाई? ये जो है मार्केट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे हर दूसरी तीसरी दुकान में। गाइज ये जो है भानगढ़ का पुराना मार्केट है, यहाँ पर मतलब कोई टाइम में दुकानें लगती होंगी। अब रात का नजारा देखो आप इनका, ये देखो ये जो है सारी उजड़ी हुई दुकानें, और कहा ये जाता है कि ये जो पूरा का पूरा शहर है, सारी दुकानें, सारे मकान, किले, महल सब एक रात में उजड़ गए थे।
और यही बात इसको जो है भूतिया बनाती है, और उनकी आत्मा अभी भी घूमती है, पता नहीं किस में बैठी हो इसको क्या पता है। एक बार पीछे देखो ना, एक बार पीछे देखो, डर लगता है भाई, दिखाई नहीं, यार कुछ नहीं दिख रहा, मतलब पूरे शरीर में ऐसा वो अलग सा ऐसा हो जाता है, मतलब पूरे शरीर में झंझनाहट सी हो जाती है, सच्ची बता रहा हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पर इस लाइट की मदद से आपको थोड़ा सा और नजारा दिखाते हैं, क्योंकि जो फोन के फ्लैश है वो इतना बढ़िया से नहीं दिखा पा रहे। देखो ये जो है यहाँ पर दुकानें, इधर भी जो है टूटी फूटी दुकानें हैं, और रात में, बस बात यह है कि रात में ये बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा है भैया यहाँ पर आकर के। तो गाइस हमको जो है गेट दिख चुका है फोर्ट का, टाइम की बात करें तो अभी जो है 8:19 हो चुकी है, यानी कि हमको बाहर निकलने में भी यहाँ से लगभग 19 मिनट लग गए फोर्ट से यहाँ आने में। तो अब हम लोग जो है एकदम फ्री हैं, चैलेंज हो चुका है कंप्लीट, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, सब लोग भूखे हैं, सब लोग थोड़े डरे हुए भी हैं, लेकिन जैसे भी हिम्मत करके किसी ने हार नहीं मानी, हम लोगों ने चैलेंज पूरा किया है। तो आप लोगों की तरफ से भी जो लाइक है वो ज़रूर से आना चाहिए, इस वीडियो पर एम कर रहे हैं 5,00,000 लाइक्स के लिए, आप लोग कर सकते हो भाई। अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में, यार सुबह आए थे, रात हो गई है, बात वो भी नहीं है, बात है कि इतनी खतरनाक और डरावनी जगह पर, लेकिन अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी बूस्ट होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको इस वीडियो में आया मजा तो लाइक कर देना जरूर से, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए, और हमको और क्या चैलेंजेस करने चाहिए नीचे कमेंट्स में बताओ, आप बताते हैं हम करते हैं, हमारा काम है करना, आपका बताना, तो जल्दी से बताओ कमेंट्स में। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और अब हम भी जाते हैं अपने घर, इससे जगह से निकल के। चलो भाई क्या बात है, आज तो मतलब एक अलग ही एडवेंचर हो गया, अलग ही लेवल का।